हेलो फ्रेंड्स, आपका टेक्निकल नॉलेज चैनल में सभी का स्वागत है। ये जो फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 के कल और एक मैच होने जा रही है कोलंबिया वर्सेस सेनेगल में, उसके ड्रीम 11 टीम बनाने जा रहा हूँ। और ड्रीम 11 टीम बनाने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, मैंने हर वीडियो से स्टार्टिंग में चाहो तो दूसरे यूट्यूबर की तरह ये भी कह सकता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन मैं ये नहीं कहता। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरा वीडियो हमेशा पूरा देखो, क्योंकि पिछली मैच में मुझे ऐसे कमेंट आए कि तेरे एक दो प्लेयर खेले नहीं, तूने डुबाई। मेरी टीम अगर जीती है तो कोई नहीं, हारती है तो मुझे कमेंट आते, और हारने की वजह भी आप ही होते, क्योंकि मैंने वीडियो में बताया होता कि सेफ प्लेयर कौन से और जो कन्फर्म नहीं है वो लेते क्यों। मैंने जो कन्फर्म नहीं इतने वो ग्रैंड लीग वालों के लिए रिस्की टीम होती है, वो उनके लिए होते हैं। वो रिस्की टीम इसलिए बनानी पड़ती है, तभी रिस्की टीम बनाओगे तभी तो ग्रैंड लीग में अच्छी रैंक पाओगे। तो इसी वजह से मुझे ऐसी टीम बनानी पड़ती है। और जो स्मॉल लीग और सेफ टीम चाहते तो उनके लिए मैं हमेशा सेफ ही ऑप्शन देता हूँ, लेकिन वो सुनते नहीं। तो इसलिए मुझे वीडियो के स्टार्टिंग में हमेशा ये कहना पड़ता है कि मेरी वीडियो हमेशा पूरा देखे और देखो ही मत, सुनो और देखो कि कौन से आपसे ऑप्शन मैंने सेफ बताए और कौन से कंफर्म नहीं। तो यह बात करते कोलंबिया वर्सेस सेनेगल की। तो दोनों टीमें इतनी खास नहीं है, थोड़े अगर दोनों में ज़्यादा कंपेयर करो तो सेनेगल थोड़े अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि उनके प्लेयर भी थोड़े अच्छे। या बात करते कि गोलकीपर प्लेयर के हिसाब से मैं हमेशा ड्रीम 11 टीम बनाता हूँ। तो यहाँ दोनों ही सेफ है, खादिम एंदिए सेनेगल की तरफ से, तो डेविड ओस्पिना जो कोलंबिया की तरफ से। तो यहाँ अगर कोई स्मॉल लीग के लिए खेल रहा है, ड्रीम 11 टीम बनाना चाहता है तो ओस्पिना को ले सकते हैं। अगर कोई ग्रैंड लीग के लिए बना रहे तो एंदिए को लीजिए। डिफेंडर की ओर चलते, मैं पहले अपने बेस्ट ऑप्शन देता हूँ और सेफ ऑप्शन कौन से ये बताता हूँ। बेस्ट भी सेफ होगी, लेकिन इतना जो कन्फर्म नहीं आपको बताओ, सेलिप सेने को ले सकते, बहुत अच्छे प्लेयर है। कोहली बेले वो भी बहुत अच्छे प्लेयर है, उन्हें भी ले सकते। सैनजेज वो भी बहुत अच्छे प्लेयर है, पिछले मैच में खेले थे। मूसा वागे जिन्होंने पिछले मैच में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था अपने टीम में। और एरिस और यह झापाता वो पिछले मैच में नहीं खेले थे, ये तो आपको पता ही होगा। इतने चांसेस है भी नहीं आज के मैच में, स्क्वाड में भी दिया नहीं। जेम्स रोड्रिगो जो कोलंबिया के सबसे अच्छे प्लेयर है, लेकिन इतना खेलेंगे कन्फर्म नहीं, लेकिन मुझे लेना पड़ता है, क्योंकि ये प्लेयर ऐसे होते कि पूरी टीम इनके ऊपर ही चलती है। और एक येलो कार्ड भी मिला था, तो थोड़ी बहुत मुश्किल है, लेकिन खेलेंगे, स्क्वाड में तो दिए। सेकंड हाफ में भी चांस हो सकते हैं, क्योंकि इंजरी के चलते बहुत मैच में नहीं खेले थे। और सदियों में ये दुनिया के सबसे ज़्यादा फास्ट और सबसे अच्छे प्लेयर माने जाते, सबसे तेज प्लेयर है, पता भी नहीं चलता अपोनेंट वालों के कि आए कब और गए कब। इसलिए इन्हें अपनी टीम में लीजिए, कन्फर्म में खेलने वाले, तो वो भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और सेफ ऑप्शन इसमें सारे गए हो सकते। एल्फ्रेड एंदिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, उन्हें भी अपने स्क्वाड में ले सकते। बैरोज वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते। फॉरवर्ड की ओर चलते तो कोलंबिया के सबसे अच्छे प्लेयर है फाल्को, और या सेनेगल के नेंग वो भी बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते, तो उन्हें भी मैं अपने स्क्वाड में ले रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते कि ए टीम हो गई स्मॉल लीग के लिए और ग्रैंड लीग दोनों के लिए, लेकिन जो कन्फर्म नहीं तो मैंने उसके ऑप्शन अभी देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ अगर मैंने एक प्लेयर कन्फर्म नहीं बताया, रोड्रिगोज खेलेंगे जरूर, लेकिन इंजरी के चलते शायद एक हाफ में भी खेल सकते हैं, तो इतना कन्फर्म नहीं होता, लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर है इसलिए मुझे लेना पड़ रहा है। तो उनके जगह अगर एंदिए अगर लेते हो, बैरोज सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है मिडफील्डर की ओर से। या बात करते हैं डिफेंडर में, तो यहाँ अगर मिडफील्डर में भी जाते हो तो सेनेगल के थोड़े अच्छे मिडफील्डर में सिर्फ कोलंबिया के रोड्रिगोज बहुत अच्छे हो सकते ऑप्शन, और है मैंने हमेशा कहा क्वाद्रादो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते, लेकिन इतना नहीं जितना रोड्रिगोज हो सकते। डिफेंडर की बात करें तो सबको पता है कि सेनेगल के डिफेंडर कोलंबिया को हरा सकते और पीछा भी उनके सबसे अच्छे हो सकते और फॉरवर्ड की बात करते तो कोलंबिया के फाल्को बहुत अच्छे सेनेगल के प्लेयर से, तो मैंने उस हिसाब से ड्रीम 11 टीम बनाई। अगर कोई नया देख रहा है वीडियो, उसे पता नहीं कि डिफेंडर मिडफील्डर कब लेना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा है, तो मेरी बात मानो। अगर टाइम है तो मैंने कार्ड में वीडियो डाला है ड्रीम 11 टीम में मिडफील्डर डिफेंडर और फॉरवर्ड में कब और कैसे प्लेयर लेने हो, और कप्तान वाइस कप्तान आप खुद अपने हिसाब से ले सकते हो, तो वैसी मैंने टीम बनाई। अगर आप देखते हो तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप जरूर जीतोगे। तो यह बात करते हैं कि कप्तान वाइस कप्तान की, तो यह मैं सदियो माने को कप्तान करने जा रहा हूँ, वाइस कप्तान रेडियम फाल्को को करने जा रहा हूँ। आगे की ओर चलता हूँ। यह देखिए, मैंने हमेशा कहा कि मेरे जो ऑप्शन होते हैं दूसरे और सेफ भी ऑप्शन हमेशा देता हूँ,
वो खराब नहीं होते, आपने जरूर देखा होगा, मैंने हर मैच में भी यही प्रूफ दिखाता हूँ यार। डिफेंडर में वो आगे सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकते हो, एरेस भी हो सकते। गोलकीपर में मैंने यही कहा है कि अगर कोई स्मॉल लीग के लिए खेल रहा है तो ओपोनेंट टीम के स्पिनर को कर सकते। फॉरवर्ड की बात करते तो फाल्को भी बहुत अच्छे प्लेयर हो, नैंग भी हो सकते, लेकिन मिडफील्डर को से रोड्रिगेज इतना कन्फर्म नहीं हो सकते जो मैंने ऑप्शन में खाया। और कप्तान वाइस कप्तान की बात करें तो फाल्को जो दिया है सदियो माने, रोड्रिगोज और वागे, ज़्यादा ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ चार पांच ऑप्शन उनके लिए जो ग्रैंड लीग के लिए बना रहे। और स्मॉल लीग वालों के लिए यह मैं तीन देता हूँ अपने हिसाब से चुने, यह सदियो माने को मैंने जैसे कि फाल्को तो है ही, अगर और अच्छा ऑप्शन चाहिए तो रोड्रिगोज हो सकते और यमनिंग चार हो सकते, लेकिन तीन करो चार इसलिए क्योंकि रोड्रिगोज को मैंने ऐड किया, और तीन भी हो सकते अगर उनको निकालते तो, इतना कन्फर्म नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। और मुझे फीडबैक भी दे सकते हो कि डिफेंडर मिडफील्डर या फिर फॉरवर्ड में आपको टीम अच्छी लगी या फिर कोई प्लेयर का प्रॉब्लम आया तो मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।